हिबा आलम शिराज़ी। इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बिजनेसमैन हस्बैंड औरंगजेब के साथ कैसी जिंदगी गुजार। तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार जिसे तुम डिजर्व करते हो। तुम क्या ना क्या चाह रही हो? मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है किस लड़की से तुम मेरे पूछे बगैर शादी करो? जिस तरह तुम वारिस दुल्ताना के लिए मुझे छोड़ सकती हो उस तरह मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को अस्पताल की बिस्तर पर छोड़ के आया। अच्छा है वो मर गया, हम सबकी जान छूटेगी। फाजिल प्लीज सबको बता दो कि ये सब ड्रामा था, झूठ था। प्लीज ऐसे नहीं करो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? और क्यों तुम एक ही बात के पीछे पड़ गई हो? भूल जाओ वो सब। पूरी जिंदगी इस दाग को लेकर जीने। आफरीन, चैप्टर क्लोज्ड। चैप्टर तो अब शुरू हुआ है। लिसन, जस्ट गो टू हेल। पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने। तमाशा मैंने नहीं, तुमने लगाया हुआ। तुम मेरे रास्ते के बीच में आते थे, मैं नहीं। तुमने मोहब्बत का डोंग रचाया था, मैंने नहीं। What's wrong with you, हाँ? क्या मसला है तुम्हें? प्लीज बासिल मेरी बेगुनाही को गवाही दे दो। सबको बता दो कि मैं शरीफ लड़की हूं। प्लीज सबको बता दो कि वो सब ड्रामा था, तुमने गेम खेला था मेरे साथ। ओह रियली? शरीफ लड़की, और वो भी तुम? शरीफ लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती आफरीन, जो रात गए किसी भी मर्द के कमरे में चली जाएं। और ऐसी तो मेरे भी अतराफ में बहुत हैं। क्या जरूरत थी मुझे तुम्हारे पीछे आने की? तुम जैसी लड़की के साथ कौन मुसीबत अपने गले में लटकाएगा? झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बासिल। हमारी मंगनी हो चुकी थी और कल को शादी भी हो जाती। पता नहीं किस चीज की तुम्हें बेचैनी थी, लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का डर जरूर था कि कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। इसीलिए तुम मेरे पीछे आती थी बार बार, सबके सामने तुम कतराती थी और पीछे शर्म आती है मुझे तुम्हें देखकर। जो लड़की इस हद को पार कर सकती है वो कल को किसी भी हद को पार कर सकती है। बाजू प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ, प्लीज नहीं करो बाजू। तुम जानते हो सच क्या, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मुझे क्या जरूरत थी तुम पर इल्जाम लगाने की? हाँ, और शरीफ लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती। मैं जानता हूं मैं पारसा नहीं, एंड आई एडमिट इट, लेकिन मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं कि मुझे तुम जैसी लड़की नसीब हो। बासिल पाक शिराजी, अब तुम शरीफ औरत और पाकीजा औरत के लिए तरसोगे। तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत झोटन होगी, तुम्हारे लिए उसका वजूद झोटन होगा। तुम्हारी जिंदगी में खुदा करे जो लड़की आए वो दूसरे मर्द की उतरन हो। और उसकी सूरत में तुम्हें हमेशा अपना गुना नजर आए। ये मेरी बद्दुआ है तुम। और जो गाली आज तुमने मुझे दी है ना, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी बद्दुआ बन के मंडलाती रहेगी। अब मैंने अपना मामला ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, अब जो करेगा वो करेगा। मगर तुम हमेशा तड़पोगे। Come in.
मैम वो आपके मेहमान आए कंजिल रहमान। हाँ बिठा उन्हें आती हूँ मैं। Who is she? रहमान ग्रुप इंडस्ट्रीज के ओनर की इकलौती बेटी है, बासित अब्दुल रहमान जो मीडिया टाइकून है उसकी छोटी बहन, कंदील अब्दुल रहमान आर्टिस्ट है, कपड़े बनवाने आई है, फैमिली में शादी है उसकी। सुनो आती हूँ मैं, रुको एक मिनट। आपकी ड्रेसेस जैसे ही रेडी होंगे मैं आपको बता दूँ। आप ही वो चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आ जाती हूँ, ड्रेसेस की फिक्र ना कीजिएगा वो मैं आपको बता दूंगी। क्या है कि तुम कैसे देख रहे थे उसे? कौन थी वो? बाजल प्लीज सोचना भी मत उसके साथ फ्लर्ट करने का, तुम जानते हो ये लड़की किनकी बेटी है। फ्लर्ट? फ्लर्ट कौन कर रहा है? शादी, शादी कराओ मेरी इससे। व्हाट? Are you mad? मेरा तो दिमाग ही खराब है, हटो आगे से। ए आफरीन कहाँ जा रही है तू? मामा नीचे दुल्हन आ गई है ना। इनकी मुंह दिखाई कम अस्कु। क्या है तुम्हें ऐसा? बताओ मुझे क्या है तुम्हें ऐसा जिसने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया?
मक्का, फरेब, मक्काली, धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें मैंने क्या समझा और तुम क्या निकली? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, बादल अशफाक शिराज़ी के साथ कैसे कह सकती हो तुम मेरे साथ ऐसे? तुम्हें मैंने क्या समझा और तुम क्या निकली? कभी सोचा नहीं था मैंने कि तुम ये घटिया औरत निकलोगी। चलती हुई राख हो तुम, आंखें भी शिकर, जिसे चुनने से हाथ काले हो जाते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया? जवाब दो। खुदा के वास्ते बाज़ल, खुदा के वास्ते ऐसा मत बोले। वो जो कुछ भी था वो सब मेरे माजी में था। बकवास बंद करो अपनी। मेरे माजी में था बाज़ल, मैं अबू कंदील नहीं रही बाज़ल, मैं अपने गुनाहों से खो सो दूर हूँ। मैंने माफी मांगी है, मुझे माफ कर दे। क्या समझी तुम? हाँ, क्या समझी तुम कि बाज़ल अशफ़ाक शिराज़ी पागल है, बच्चा है, जिसे तुम आसानी से उल्लू बना दोगी? बाज़ल आप मेरा यकीन करें, बाज़ल, बाज़ल मैं खुद ही, बाज़ल मैं खुद भी नहीं चाहती थी, मैं किसी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी, मेरी नई जिंदगी एक झूठ की बुनियाद से शुरू हो। लेकिन 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 मेरे घर वालों ने मुझसे वादा लिया था बाज़ल, मैं इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने दूंगी। मैं बाज़ल अशफ़ाक शिराज़ी, जो इतने दावे के साथ कहता था कि मेरी बीवी पाक दामन साफ होगी, और क्या हो गया मेरे साथ? और क्या मिली इसको? तुम जैसी लड़की। कुछ खाने के लिए भी ले आती साथ? अकल तो बिल्कुल नहीं है तुम लोगों में। एक मिनट स्वीराज। हेलो, सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफी और बना दो, इसमें शुगर थोड़ी सी ज्यादा है। आई एम रियली सॉरी। ये तुम्हारी मुलाजिमा नहीं है, और कॉफी पीने का तुम्हें इतना ही शौक है तो उठो जाओ, खुद बनाओ। आज के बाद इसे कोई ऑर्डर मत देना, समझी तुम? क्या मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाऊं? नहीं नहीं, तुम इधर बैठो, मुझे बताओ छोटे साहब की क्या? वो जी, आफरीन बीबी छोटे साहब की मंगेतर थी, बड़े चाव से सबसे लड़ झगड़ कर मंगनी की थी उन्होंने इनसे। फिर पता नहीं क्या हुआ और खुद ही तोड़ भी दी। मैं कॉफी लेकर आती। कंदील, वेट, क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर जा रही हो? तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि बाज़ल ने तुमसे बात नहीं की?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ है? What's the problem? जिस रिश्ते की हैसियत से मैं इस घर में आई थी, अब उसे निभाने की और गुंजाइश नहीं, ना ही मुझमें हौसला। बाजी ने तुमसे कुछ जाते हुए कहा है? वो अपने फैसलों में कुछ कहने या सुनने की गुंजाइश ही कहाँ रखते हैं? वो तो बस कर देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आफरीन ने कोई खेल खेला। उस बेचारी के साथ तो खुद तकदीर खेल खेल गई। अल्लाह किसी के साथ क्या खेल खेलेगी? लिसन, बाजिल को आने दो, उसका इंतजार करो, ऐसे मत जाओ। क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं आंटी। मुझे बस ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने वालदेन के घर में आना चाहिए। देखो कंदील, हम लोग तुम्हारी कैफियत समझ सकते हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, ये वक्त ऐसे नहीं रहेगा। आई नो तुम इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हो, इसीलिए तुमने ये फैसला किया, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाजिल और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बाजिल मेरे नहीं। और जहां तक बात है इस सब की, तो ये सब तो मेरे पास पहले भी था। देखो कंदील, ये मामला बातचीत से भी हल किया जा सकता है। तुम ऐसे ना जाओ, तुम रुको। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेरे जाने की वजह से आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। ये मेरा और बाजिल का मामला है और हम दोनों के बीच में ही रहेगा। नहीं तो उसका बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही डैडी इसका कोई हार्श रिएक्शन देंगे। नहीं नहीं कंदील, बिजनेस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रोक रही मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बल्कि बन जाते हैं इश्यूज। अब तुम मेरी लाइफ ही देख लो। हम जैसों को माफ करने के लिए बहुत सर्फ की जरूरत होती है, बड़े दिल की जरूरत होती है। और आपका भाई, उसे तो खुद माफी की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स लाई थी। हाँ, बैठो बैठो। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है किताबों से तुम्हें काफी लगाव है। बहुत ज्यादा। किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करती हो तुम? मेरा मतलब है फिक्शन, लिटरेचर, मिस्ट्री। मिक्स मिक्स जी।
असल में हमारे पुराने मोहल्ले में फरीद अंकल होते थे, उनकी छोटी सी किताबों की दुकान थी और वो रिसाले और किताबें वगैरह किराए पर देते थे पढ़ने के लिए। तो हमारे पड़ोसी थे तो मुझे फ्री में दे देते थे। उसमें उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती थी, बानो कुत्सिया, इश्फाक अहमद, कुरतुलैन हैदर, बहुत अच्छी कलेक्शन। अच्छा, कुरतुलैन हैदर को भी पढ़ा है तुमने? जी, आग का दरिया। आजकल के दौर में ऐसे शौक, I'm really impressed. इसमें इंप्रेस्ड होने वाली क्या बात है? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई और बुक ले सकूं। वो तो फरीद अंकल जो भी बुक ऑर्डर करते थे पहले मुझे पढ़ने के लिए दे दिया करते थे, मैं पढ़ के उन्हें वापस कर देती। और हाँ, मैं शायरी की बुक्स भी पढ़ती थी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे फरीद अंकल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नेकी की। मेरे हिसाब से तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी में जॉब मिल सकती है। वाकई में मुझे लाइब्रेरियन की जॉब मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो इस लाइब्रेरी में जॉब कर सकती हो। देखो, मेरी काम की मसरूफियत की वजह से मैं इन किताबों का ध्यान रख नहीं पाता, और जब तक तुम्हें अच्छी कोई नौकरी मिल नहीं जाती तुम मेरी किताबों को मेंटेन कर सकती हो। तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हारी किताबों का शौक भी पूरा हो जाएगा। मगर हिबा अपी उनको बुरा लगेगा। इस लाइब्रेरी का एक रास्ता बाहर से भी है, तुम चाहो तो वो यूज कर सकती हो। थैंक यू। लगता है तुम्हें रोमांस काफी पसंद है। नहीं नहीं, रोमांस पढ़ना कोई जुर्म तो नहीं? मगर लोगों की नजरों में जुर्म ही समझा जाता है। तुम लोगों की नजरों में मुजरिम बनने से डरती हो? लोगों की नजरों में गिरने से डरती हूँ। देखो, लोगों की परवाह मत क्या करो। खलकते शहर क्या है, उसे तो कहने को फसाना चाहिए। आप मर्द है ना, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। मेरे हिसाब से अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना, ये खुदकुशी है। आप सूरज हैं, शायद इसीलिए रात के दुख को नहीं जानते। मैं लड़की हूं और अपने एहसासात की बहुत कड़ी सजा भुगत चुकी हूं। तुम्हारे जुमलों में तो बहुत रिदम है, लगता है म्यूजिक में भी काफी दिलचस्पी है तुम्हें। बहुत, पहले बहुत शौक से सुना करती थी क्लासिकल। हमारे घर में एक पुराना रेडियो था, उसमें रेडियो पाकिस्तान का क्लासिकल प्रोग्राम सुनती थी। क्लासिकल, गुड चॉइस। पर अब? अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रेडियो बेचना पड़े। लेकिन आजकल तो रेडियो सेलफोन में मौजूद है। तो मुझे याद पड़ता है बाजी ने तुम्हें सेलफोन लेके दिया था। वो मैंने बंद कर दिया। देखो, कुछ सफर ऐसे होते हैं जिसमें पैरों से ज्यादा दिल थक जाता है।
लेकिन ऐसी सूरत में दिल को आराम देने का एक ही तरीका है, अपने दिल को उनकी यादों से आजाद कर लो जो कि परेशान करते हैं। ये इतना आसान नहीं, खुसूसन जब हाथों की लकीरों की तरह लोग आपकी जिंदगी पर छाए हुए हैं। और अगर वो आपकी हाथों की लकीरों में हो ही ना, फिर देखो खुद को बाजिल की आफरीन से आजाद करवा लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या तुम ऊट पर डांस हो रही है? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इट्स ओके, इसको ऊट पर डांस कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो ये मैं मुश्किल चीजें सुनूंगी या नहीं पढ़ूंगी। जस्ट लीव इट। तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे? नहीं, लगा तो ऐसे ही है। तो मुझे भी लगा था जब तुमने इन्हें उठ पटाखा। मैं काम तो नहीं करती, इसी जमाने में चले जाओ। Just wish, I really wish. इतने बेजार? Of course. क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Can you please leave me alone, please? Excuse me? तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कमरे से बाहर चली जाऊं? It means मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ। कहने का मतलब ये नहीं था हिबा। तुम्हारे कहने का यही मतलब था। बहुत साफ तरह से तुमने यही कहा है। Listen, तुम्हारे साथ बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं भी तुम्हें बर्दाश्त ही कर रही हूँ, समझ आई? Please calm down. Just shut up. Stop treating me like a kid. मरो अकेले। ये आपका नाश्ता। रमजान बाबा ने भेजवाया और आपकी ब्लैक कॉफी भी है। असल में हिबापी ने रमजान बाबा को कहीं बाहर काम से भेजा। तुम नहीं पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीती। थोड़ी देर बैठ सकते हो तुम? जी। तुम नहीं पीती कॉफी? नहीं, मैं नहीं पीती। बल्कि ये भी रमजान बाबा ने बनाई है। वो तो मैं इधर आ रही थी तो फिर मैंने सोचा मैं लूं। आदत डाल लो तुम भी पीने की। बहुत सी कड़वाहट सहने की आदत हो जाती है। आपको अभी भी कड़वाहट की जरूरत है क्या? I'm sorry, वो गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। तो तुम भी ठीक हो। अब मेरे अंदर कड़वाहट की जगह बची कहाँ है? पता है, जब भी मेरा ब्लड टेस्ट होता है ना, मुझे लगता है जैसे
मेरी एक ही रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा होगा जहर। और आपको पता है अगर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी क्या रिपोर्ट्स आएंगी? सिर्फ बीमारी। मसलन? मसलन बेकदरी, बेबसी, बेचारगी। मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोच के अपनी इज्जत के खामखा दागदार हो जाने का। क्यों है हम इतने गरीब? क्यों नहीं है हमारे पास अपना घर? अगर मेरी जिंदगी में इतने सारे क्यों ना होते तो फिर ये हालात भी ना होते। क्यों औरंगजेब भाई, हाँ मुझे भाई मत कहा करो। थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं तो भाई कहने से बहुत फॉर्मल लगता है। अब तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी हमारे बीच में काफी, इसलिए हम मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। क्यों फोन किया है मुझे? सिर्फ हेलो सुनने के लिए। सुननी, आइंदा इस नंबर पे मुझे कॉल मत करना। एक सेकंड हिम्मत प्लीज, मेरी एक बात सुन लो, एक बार मिल लो मुझसे। सुनो, मेरे पास अब टाइम नहीं है तुमसे मिलने का। मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम इतने लोगों से मिलती हो, इतने क्लाइंट से, तुम मुझसे भी मिलो। मुझसे मिलने में क्या कबाहत है? सिर्फ एक बार दिल पर जबर रख के मिल लो मुझसे। मैं कल शाम ठीक 6 बजे उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूँ जहाँ मिला करते थे। I'll be waiting. Hello. Sorry, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। नहीं नहीं, सॉरी, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हारी डायरी यहाँ पे खुली पड़ी थी इसलिए मैंने देख ली। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा शौक तो बहुत आला है। हाँ हाँ, ये तो बस ऐसी फारिग वक्त में कभी कभी। थैंक यू,
तुमने मेरी इस छोटी सी लाइब्रेरी को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ। मैं सच में ये काम बहुत खुशी से कर रही हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो ये रकम आपसे कभी भी ना लेती मैं। ऐसा तुम्हें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मसरूफ ना होता तो शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन तुम जानती हो मेरे कामों की वजह से मैं टाइम दे नहीं पाता और तुम ये सब मेंटेन करती हो। मजबूरी है मेरी। नहीं आफरीन, ये जरूरी है। आप और आंटी सबसे कितने मुख्तलिफ हैं ना। अच्छा, वो कैसे? केयर करते हैं सबकी, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं आप। थैंक यू। रशीदा को कह के प्लीज कॉफी भिजवा देना है। जी। अगर तुम बेचैन रही हो तो सुकून मुझे भी नहीं मिला। बस थक गया था मैं। उस दिन तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के वो रास्ते नहीं रहे और ना ही ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा तुम ही रही। लेकिन मैं वो 10 साल पुराने वाली हिबा नहीं हूं। मैं प्रोफेशनल वुमन काम करती हूँ। ये क्या तुमने बच्चों वाली बातें करना शुरू कर दी? मुझे इन बातों से बहलाओ फुसलाओ मत। और मैं भी 10 साल पहले वाला वारिस नहीं, एक पॉलिटिकल फिगर हूँ। तुम जानती हो तुम्हारे साथ इस तरह देख के लोग क्या बातें बना सकते। लेकिन अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूं तुम प्रोफेशनल औरत। मैं ये भी जानता हूं कि तुम इटली गई। यू वर नॉमिनेटेड बेस्ट डिजाइनर फ्रॉम एशिया। तुम मानोगी कि मैं उस क्राउड में मैं भी थी। मैं तुमसे पहले ही पहुंच गया, लेकिन तुमसे मिल नहीं सकता क्योंकि अम्मा से कसम खाई, उन्हें फौत हुए 6 महीने हो गए। अब भी वक्त है, हम अब भी एक हो सकते। ना तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और ना मैं। बहुत खुश हूं। इधर देखो, मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम। मैं अब भी तुम्हारे लिए वही वारिस हूं। तुम जो नहीं भी कहती मैं सुन लेता हूं। तुम झूठ बोल के मुझे मत बहकाओ। मैं जानता हूं कि तुम अपने बिजनेसमैन हस्बैंड औरंगजेब के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। डोंट इवन ट्राई टू फूल योरसेल्फ हिबा। कम ऑन, मेरी तरफ देखो। मैं आज भी तुम्हारा मुंतजर हूं। मैं 2 शादियां कर सकता हूं। हालात पहले वाले नहीं है। मेरी मां अभी जिंदा है। मैं ये सब नहीं कर सकती और वैसे भी ये घड़ी दो घड़ी करने वाला फैसला नहीं है। हिबा मैं मनाऊं, तुम हां तो करो। फैसला घड़ी दो घड़ी का ही। शेमान। हिबा, हिबा,
ये देखो, ये है वारिस सुल्तान। असल हिबा शराजी तो ये थी, और जो जहां होती थी वहीं रौनक लग जाती थी। जैसे तुम मिले हो वो तो हिबा है ही नहीं। तुम्हें पता है जब मैं इससे मिली हूं ना तो मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हो गई, वरना इतने अरसे से कमरे में बंद ऐसे लगता था जैसे कैद हो गई हूं। ना हवा आती है ना रोशनी। मुझे तुम बताओ और मोहब्बत करना क्या गुनाह है, क्या कोई जुर्म है? तुम देखो औरी, मैं कितने अरसे बाद खुश हुई हूं। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? तुमने सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम क्या कर लेते? तुम क्या उसे वापस ले आते? ना तुम कुछ कर सकते थे ना मैं। इसलिए जो हो रहा था बस मैंने उसे होने दिया। लेकिन अब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तुमसे चाहूं तो बुला नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे खुद आजाद करो। एक मिट्टी की मूर्त को 6 साल से खुद के साथ बांधे फिर रहे, क्या मिला है तुम्हें? क्या हासिल हुआ है? और क्या कर लिया है तुमने? उसने 2 दिनों में मेरे अंदर रूप फूंक दी, ऐसे जैसे मैं दोबारा से जी उठी। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अज़ियत क्यों था। तो तुम्हें स्टेटस कॉन्शियस समझता रहा। लेकिन तुम तो मोहब्बत की मारी हुई निकली। सॉरी, तुम्हें लगता नहीं कि ये पिछले 10 साल हमारे बीच में आई? पूरे प्लान्स पूरे करने का वक्त आ। कितने प्लान्स बनाए थे तुम्हारे साथ में, क्या क्या सोचा था, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही रह गया, कुछ भी नहीं हो सका। पर आई होप इस दफा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वारिस सुल्ताना, औरंगजेब आलमगीर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Although it's a bit late, लेकिन लाइकवाइज। यह
इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। बस कभी आप मेरे रास्ते में थे, कभी मैं। इसीलिए कहती हूँ कि आप दोनों अपना रास्ता बदल लें। क्या करें, घर जो बीच में पड़ता है। आप ये घर छोड़ क्यों नहीं देते, नया घर बना। आप वधेरे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे आम आदमी तो एक बार ही नियत करता है। आप अपना घर बनाने पे फोकस करें ना, ये अपना घर बनाएं या ना बनाएं वो इनका मसला है। तुमने देखा इसके साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट इंसान है ये। बेबस है बेचारा, छोड़ो उसे। तुम्हें कोई तमीज नहीं है, कब सीखोगे तुम? तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी टेबल पर आके मुझसे मिलने की? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से वारिस के सामने मुझे कितनी एंबैरेसमेंट हुई है, कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? इंसल्ट तो मुझे भी फील हो रही थी जब मेरी बीवी मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ। तो क्यों रह रहे हो इस गिल्ट के साथ? मैं तो खुद तुमसे आजादी चाहती हूँ। तलाक दो, पीछा छोड़ो मेरा, मैं अपने पेपर्स तैयार करवा रही हूँ, तलाक दो मुझे। डिवोर्स, एक ऐसी बीवी डिवोर्स मांग रही है जो कि अपने पुराने आशिक के मिलने पर उसके साथ बैठकर उसके सामने अपने शौहर की इंसल्ट करती है, और ये भी नहीं सोचा कि उसका वही शौहर जिसने अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, अपने बाप और अपने पप्पो की खातिर कुर्बान कर दी, बजाय इसके कि उसके साथ निभाए उसे डिवोर्स मांग रही है। आसान नहीं होता अपना हम सफर बदल कर जमाने में फिरना। मुझे नहीं पसंद, ना मुझे किसी का सोचना है और ना ही मुझे किसी का पता करना है। मुझे तलाक चाहिए, और जाओ तुम भी बाहर में। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, दिखवा लो ये। Are you mad? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, पीछा छुड़वाना चाहती हूँ मैं तुमसे। मैं पोस्ट नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे, राइट है ये मेरा। Even it's my right not to. सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आ गए। आफरीन, तुम मुझे कुछ पढ़ के सुना सकती हो? मैं? हाँ, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे सुन के सारे जख्म भर जाए। अपनी पसंद का कुछ सुनाओ। हाँ, अगर तुम पूरा ना मनाओ तो प्लीज। इखलाक ना बरतेंगे, मदावा ना करेंगे।
अब हम भी किसी शख्स की परवाह ना करेंगे। अब सहल पसंदी को बनाएंगे वतीरा, तादेव किसी बाग में सोचा ना करेंगे। इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम, अब की वो लड़ाई है कि झगड़ा ना करें। खुशियों पर मेरा भी तो हक है। जब हिबा अपना मुकदमा खुद लड़ सकती है तो फिर मैंने खुद को क्यों पाबंद किया हुआ है? मुझे भी उसके साथ जीने का पूरा हक है जिससे मेरा दिल और दिमाग मिलता हो। क्या हुआ? अच्छा लगा बहुत सुन के। ऐसा लगा कि सारे जख्म वाकई भर गए। क्या हरकत थी? उसे घर के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ बाहर फिरता है ना, तो बाहर से फारिग करती उसे। Excuse me? फारिग होने का वक्त तुम्हारा आ गया है, उसका नहीं। और तुम शायद भूल रहे हो, ये मेरा घर है, तुम यहां सिर्फ रह रहे हो। मेरी मर्जी जिसको दिल चाहेगा अंदर लाऊंगी, जिसको दिल चाहेगा यहां से बाहर निकालूंगी। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम्हें किसने हक दिया डिक्टेट करने का? सबके सामने तमाशा बना होगा। कौन सब? मुलाजिम? मेरे बचपन से लेके जवानी तक यही रहते रहते बूढ़ा हुआ है। बाकी तो पीछे रह गई तुम्हारी फेवरेट आफरीन, जिसको सर छुपाने के लिए छत हम लोगों ने दी है। और किस तमाशे की बात कर रहे हो तुम? तुम अपने तमाशे की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है मुझे छोड़ दो, आजाद क्यों नहीं करते? जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। नहीं दूंगा तुम्हें तलाक, याद रखना ये बात। देखती हूं तुम कैसे तलाक नहीं देते मुझे। बेटा औरंगजेब, क्या हो गया? जब से आए हो खड़े हो यहीं, कुछ खाया भी है कि नहीं? बैठ जाओ। आफरीन, भाई के लिए चाय बना के ले आ। बेटा बैठो बैठो। हाँ बेटा, अब बताओ
क्या बात है, क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? खाला आप आफरीन के रिश्ते को लेकर परेशान हैं? हाँ बेटा। आप चाहती हैं कि उसका मुस्तकबिल महफूज हो, आप उसको महफूज हाथों पे सौंपें? बिल्कुल बिल्कुल। आप खानदान में कोई लड़का देख रही हैं? बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई है अच्छा लड़का तो बताओ मुझे। खाला मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। मैं शादी करना चाहता हूं आफरीन से। औरंगजेब बेटा ये क्या कह रहे हो? बेटा हम गरीब जरूर हैं, तुम्हारे दर पर पड़े हूं मैं, लेकिन हम नमक हराम नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी का जो भी झगड़ा है उस मसले में हम फंसना नहीं चाहते हैं बेटा। ए भैया बिल्कुल नहीं। खालम मैं शादी जिद में या हिबा से बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपनी पसंद के लिए कह रहा हूं। मेरे दिल का फैसला है ये, मुझे भी अपनी जिंदगी पे इख्तियार है। अरे नहीं भैया नहीं, हम गरीबों की ये छत भी जाएगी? और अपनी बीवी को नहीं जानते हो तुम? उसको पता चल गया तो हमको भून कर खा जाएगी वो। और मेरी मासूम बेटी, वो कहां उसका मुकाबला कर सकती है? यहां से भी निकलवाओगे क्या? खाला आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और हिबा से आप बिल्कुल मत डरें, वो तो वैसे ही मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। मैं आफरीन से शादी करूं या किसी और से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। ए बेटा हमें भी फर्क पड़ता है, क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी आपा को? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है खाला। ए मियां बात तुम्हारे भरोसे की नहीं है, हमारे भरोसे की है। खाला खाला ये शादी राज रहेगी, लेकिन तब तक जब तक हिबा तलाक के खुला का दावा ना कर ले। लेकिन खाला ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होगा, जैसे हिबा मुझसे तलाक ले लेगी मैं फौरन ये सब छोड़ के अपनी बीवी के साथ एक नया घर बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोगों को यहां रहना पड़ेगा। नहीं मियां नहीं, पहले ही आपा इतनी परेशान है, हम उसकी पीठ में छुरा नहीं घूम सकते। एक छत के लिए परेशान हो रही हैं कि कहीं इस वजह से आपकी छत ना छिन जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बिल्कुल इस जैसा घर आपकी बेटी के नाम कर दूंगा, फिर ना सिर्फ ये बल्कि हर महीने एक मुनासिब रकम भी, फिर आपको ये छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। खाला मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे कोई डील नहीं कर रहा, बल्कि ये सब मेरी बीवी का हक है जो कि शादी के बाद उसे मिलेगा, तो फिर आप ही क्यों नहीं? आप सोचिएगा इस बारे में खाला, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के और दिल की आमादगी से यह फैसला किया। तुम लोगों से तो कोई काम होता ही नहीं है, जब काम करना नहीं आता तो ऑफिस क्यों आते हो? घर पे बैठो ना सबके सब। तुम लोगों की वजह से सारे क्लाइंट्स को मैं एक्सप्लेन करती रहूं, और कोई काम नहीं है क्या मेरा? मुझे किसी की शक्ल ऑफिस में नहीं देखती, सब जाएं यहां से। तुम मेरे जाने के बाद इतना बदल जाओगी मैंने सोचा भी नहीं।
तुम्हें शायद खुद अपने लॉस का एहसास नहीं। तुम्हें शायद एहसास नहीं है कि ये लॉस तुम ही ने मुझे दिया है। तो उजाला करने आया हूं ना तुम्हारे पास, ठीक है, सॉरी बोलो। हमारे यहां मर्द सॉरी नहीं कहते, लवर्स तो करते हैं ना, या वो भी नहीं करते? सच्चे महबूब की पहली सॉरी वैलिड रहती है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है ना कि तुम्हारी बीवी ने कितनी बेइज्जती की है मेरी? उसका शौहर तुम्हारा बनने जा रहा है, कुछ तो रिएक्ट करेगी ना। और वैसे भी हर एक तुम्हारी तरह अपने शौहर से बेजार नहीं है। What? तुम मुझे ताना दे रहे हो। ताना नहीं दे रहा, तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम और मेरे बगैर इस तरह रही ना तो यूं चीखती चिल्लाती रहोगी। अगर वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा तो तुम जाओ और खुला फाइल कर लो। तुम इसे जितना प्रोलॉन्ग करोगी उतना ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए बुरा है। तुमने अभी तक सॉरी नहीं बोला। विल यू मैरी मी? से सॉरी। आई लव यू। तुम सॉरी नहीं कहोगे ना? मेरे ख्याल से मैंने जो दो जुमले कहे हैं तुम्हारे सॉरी से बहुत वसीम। कहाँ जा रही हो? मेरे लॉयर के पास। चलो। आओ औरंगजेब। क्या है ये? खुला के कागजात हैं जो आपकी बेटी ने मुझे भिजवा दिए। क्या कह रहे हो तुम? मैंने आपको पहले अवेयर किया था पोपो। क्या कर रही है वो? बेवकूफ है, नहीं जानती वो आग से खेल रही है। वो आग से खेल रही है या नहीं खेल रही, लेकिन मुझे जरूर आग में धकेल रही है वो। अब पढ़िए सही, इसमें क्या लिखा है मेरे खिलाफ। मैं खुद को कैसे डिफेंड करूंगा? मेरे सर्कल के लोग, मेरे खानदान के लोग, मेरे रिश्तेदार सब मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था पप्पू, अगर वो तलाक चाहती है मुझसे, मुझे तलाक देने दें। नहीं औरंगजेब, वो गलती कर रही है बेटा, उसे ये गलती मत करने दो। मत करने दो? पप्पू वो के 10 साल पहले वारिस और हिबा नहीं है, अब वो दोनों मैच्योर हो चुके हैं। उन दोनों ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, प्रैक्टिकल होगा। मैं उन दोनों के बीच में क्यों अटका रहा हूं? नहीं नहीं पप्पू, नहीं प्लीज। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, हमेशा आपकी बात सुनी है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने खानदान का नाम कोर्ट कचहरी में नहीं धकेल सकता। वो अगर तलाक चाहती है तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि वो बेवकूफ है तो आप प्लीज उसे समझाइए। मुझसे कसमे वादे प्लीज मत लीजिए, प्लीज। क्या कर रही हो ये तुम? एमिया मैं तो कहती हूँ निकाह की तारीख सीधा सीधा मुकरर कर लेते हैं। ऐसे कामों को ज्यादा देर तक लटकाया नहीं जा सकता। तुमने कौन सा रुखसत करके ले जाना है? अब सिर्फ निकाह ही तो है। जुमे को रख लेते हैं। जुमा? ऐ जुमे में तो पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। बेटा मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो, आज नहीं तो कल असर के बाद रख लो। खाला, खाला इतनी जल्दी भी क्या है? मैं नहीं चाहता कि हम ये फैसला आफरीन पे मुसल्लत करें। थोड़ा उसे इस फैसले से एडजस्ट होने का मौका जरूर दें। अगले जुमे में रख लेते हैं।
ठीक है जैसे तुम कहते। दिल के पीछे अगर दिल गया जाने क्यों खाक में मिल गया। आफरीन आपका निकाह औरंगजेब वल शाहनवाज से किया जा रहा है। हक महर 5 लाख रुपए से कर आजुल वक्त। आपको अपने निकाह में कबूल है। सीधी सादी थी जो जिंदगी जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दूरियां। मुझे नहीं था। क्या सोचा है तुमने? जो मैंने सोचना था वो मैं कर चुका हूँ। फाइल तो मेरी। सुनो, वारिस दौलताना कल मामा से मिलने आ रहा है। मामा उसे हाँ करें या ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हिबा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, बल्कि अब मैं भी फूफो के यहाँ का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी फाइल तो। वेरी गुड। तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद इस घर में रह सकते हो। बारिश ने वैसे भी मेरे लिए नया घर देख लिया। मैंने भी अपने लिए घर ले लिया है और तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। अपनी प्रॉपर्टी एसेट सब अलग करके मैं साइट एरिया वाले ऑफिस में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या मतलब? तुम क्या हमारा बिजनेस नहीं संभालोगे? मैं तुम लोगों का बिजनेस क्यों संभालूंगा? तो फिर कौन संभालेगा? I don't know. And frankly, I don't care. पूरी, तुम्हें केयर करनी चाहिए। क्यों? अब इस घर से रिलेटेड हर फर्द के मसले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तुम शादी कर सकती हो, इतना बड़ा स्टेप ले सकती हो, तो तुम ये बिजनेस भी मैनेज कर सकती हो। And I trust you. और मामा, उनका क्या होगा? तुम्हारी माँ है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभाना सीखो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने कभी घर नहीं संभाला। वो बहुत इमोशनल हुई हुई है, मैं नहीं ख्याल रख पाऊंगी उनका। ऊपर से बाजल भी जाके अमेरिका बैठ गए, तुम कैसे छोड़ सकते हो उनको? बस तुम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही अपने इस हस्बैंड से, जिसे चंद दिनों में तुम तलाक देकर छोड़ के जा रही हो। ओ, तो ये बात है, यानी ये सब तुम जेलसी में कर रहे हो, मुझसे बदला ले रहे हो, या फिर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम मुझे अपनी औकात दिखा रहे हो, अपनी असलियत दिखा रहे हो। और तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? एक खुदगर्जी से भरी हुई औरत जिसे अपने घर की तो क्या, अपनी बूढ़ी मां तक की परवाह नहीं है। वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। इसी रिश्ते की वजह से मैं आज तक उनका ख्याल रखता आया हूं हिबा। तो फिर आगे भी रखो। हम दोनों कजिन्स भी हैं, क्या एक कजिन होने की हैसियत से नहीं रख सकते?
कजन्स। अब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हें तुम्हारा कजन याद आ गया, और जब तुम पल पल मेरी बेइज्जती करती थी तब ये कजन कहां था? एबा गॉड, क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? नहीं भूल सकता मैं पुरानी बातें। सारी जिंदगी तुम लोगों का केयर टेकर बना रहा मैं, तुम्हारा, फुप्पो का, तुम्हारे बिजनेस का, यहां तक कि तुम्हारे भाई का भी, और इस चक्कर में भूल ही गया कि मेरी इज्जत क्या है, मेरी अना क्या है, मेरी खुशी क्या है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आज अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उसमें हम दोनों की भलाई है। हाँ बा, बेहतरी तो सिर्फ तुम ही जानती हो ना। बहुत अकलमंद हो तुम और मैं बहुत बेवकूफ। प्लीज अपने कमरे में जाओ, कहीं वारिस दुल्दाना को पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में बेवक्त आती हो तो बहुत बुरा लगेगा उसे। ओरी जाओ प्लीज। मामा आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वो आ गया क्या? बस आने ही वाला होगा, आप तैयार तो हो जाएं प्लीज। ये मेरी बेटी की पहली शादी नहीं है और वो दूसरी बार आ रहा है, ये भी नहीं पता आता भी है कि नहीं। आज मेरी खुशी का दिन, एटलीस्ट इस तरह की बातें करके खुशी तो ना बर्बाद कीजिए। जाएं जाके तैयार हो जाएं। तुम तैयार हो गए, इतना ही बहुत है। मामा वो वक्त का पाबंद है, पंक्चुअल है। पता नहीं आज एकदम से इतनी देर क्यों कर दी, मैं कॉल करती हूं। क्या हुआ? आई थिंक ड्राइव कर रहा होगा, वेट करती हूँ। आएगा भी कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा मामा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। अच्छा, प्रॉमिस तो पहले भी किया था। आपने हर बार यही बात करते रहना है, बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रही हैं? ठीक है, कर लेते हैं इंतजार। आई होप आपको अपना नया दामाद पसंद आया होगा। वो तो आया ही नहीं हमेशा की तरह। वो आए ना आए मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। तुमने फिर देर कर दी। देखो एबा, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, क्या तुम्हें मैंने बताया था वो थैलेसीमिया की पेशेंट? मैंने भी तुम्हें कुछ बताया था वारिस,
सारा दिन मैं और मामा तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं, तुम्हें ये बात क्यों समझ में आएगी? तुम्हें ये बात याद ही क्यों रहेगी? मुझे याद था। देखो मैं देर से आया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए आया हूँ। झूठ मत बोलो तुम, और कितना झूठ बोलोगे? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ आयो, जब तुम्हें फुर्सत मिली है तुम तब आयो। हिबा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी बेटी को अस्पताल की बिस्तर पर छोड़ के आया हूँ, उसका ब्लड काउंट गिर गया था, वो मर रही है। तो मर क्यों नहीं जाते? मर जाए वो, मर जाए ना, उसमें जान से सकती हुई सांसों के अलावा बचा ही क्या है? अच्छा है वो मर गया, हम सबकी जान छूटेगी। तुम्हारी औलाद नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है। बच्चे के लिए मोहब्बत क्या होती है, उसकी तरह क्या होती है? हाँ, है वो चंद सांसों की मेहमान, लेकिन मैं उसकी हर एक सांस के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे देर हो गई है, अब मैं शुक्र करूं अच्छा हुआ है। क्या लेने आया था, क्या मिला है मुझे? तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम सॉरी सुनना चाह रही थी ना, तो फिर सुनो। आई एम सॉरी हिबा, अब हम आगे नहीं चल सकते, इट्स ओवर। तुम ना आते वारिस, ना आते वापस, क्यों आए घड़ी दो घड़ी के लिए मेरी जिंदगी में वापस? क्यों तुम मुझे मिले दोबारा? मिल भी गए थे तो इस आस को क्यों जगाया? और इस आस को जब जगा ही दिया था तो यूं क्यों किया तुमने? जी तुम्हारी मेहर की रकम है और घर के कागजा। घर? हाँ, तुम्हारा अपना घर, जिसकी हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। तो क्या हम वहां जाके रह सकते हैं? अभी अभी नहीं आफरी, फिर मैं भी तो यहाँ पे हूं ना, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर रहो। तो फिर जल्दी ही होगा ना, आप ही ने कहा था कि उसमें वक्त लगेगा अफीन। मगर क्यों? मैं वहां जाके रहना चाहती हूँ, मेरा दम घुटता है इधर। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो मेरे साथ, मेरा भी यहाँ पे बहुत दम घुटता है। ये बहुत ही खुदगर्जी है। कभी कभार जिंदा रहने के लिए इंसान को खुदगर्ज होना पड़ता है अफरीन। औरंगजेब बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक। बैठो बैठो। ये क्या है? ये आफरीन की मेहर की रकम है और घर के कागजात भी। बेटा कितना नेक हो तुम, अच्छा किया जो घर ले लिया। वैसे भी आफरीन की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका अपना घर हो। ये कोई घर है? ये कमरा है या काल कोठरी है? सारी रात मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। बस कब जाएंगे हम अपने नए घर में? खाला अभी फिलहाल कुछ अरसे बाद। कुछ अरसा या चंद हफ्ते के बाद? इसी हफ्ते ही बाबेटी के साथ तो मसला हल होने वाला है ना। खाला मैं आपके यहाँ के मसले हल करवा दूंगा। ये कुछ रकम है घरेलू अखराजात के लिए। अरे बेटा। खाला आप मेरी माँ की जगह हैं
और इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं चलता हूँ। आ गए तुम? रुपम, सखिया खाला का इंतकाल हो गया। क्या? सर पे डायरेक्टली चोट आई थी, डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। मेरे खुदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाम कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो डेड बॉडी को पहुंचा देंगे। क्या हो गया ये सब? तुमने आफरीन को बताया? मैं बात करता हूँ उससे। मुझ में तो बताने का हौसला नहीं है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर हो गई। आफरीन, आफरीन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, जब भी अम्मा यहाँ से चली जाती हैं, तो आप मौके का फायदा उठा के यहाँ पे आ जाते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी हो तुम, मुझे चुप चुपा के तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे अभी आपकी कोई भी बात नहीं सुन। मैं कह रही हूँ अभी आप यहाँ से चले जाए। आफरीन, तुम गलत समझ रही हो। मैं कह रही हूँ ना, आप यहाँ से जाए, वरना मैं इतनी जोर से चीख मारूंगी कि आंटी तक आवाज चली जाए। आफरीन, बात यह नहीं है, बात कहीं ज्यादा सीरियस है। क्या हुआ है? आफरीन, सकिया खाला। अम्मा कहाँ है? अम्मा, सकिया खाला कभी वापस नहीं आएंगी। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं औरंगजेब? उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैं भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। भेलपुरी लाएंगी। वो कहाँ है? मैंने उनको देखना है। औरंगजेब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? औरंगजेब छोड़े, औरंगजेब मुझे अम्मा के पास जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। आफरीन, बस। अल्लाह, बाजी को अभी तक होश नहीं आया। इतना बड़ा शौक है, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेगा। सारी जिंदगी पैसा पैसा जोड़ती रही ज़किया, आखिरी वक्त में न जाने क्या सोची उसे, ढेरों के ढेर शॉपिंग कर डाली,
सही कह रही हैं पप्पू, खाला ने सारी जिंदगी पाई पाई जमा की, अपना खर्च कंट्रोल करती रही और जब उनकी आखिरी गजा का वक्त आया तो अपनी सारी हसरतें सारी ख्वाहिशें पूरी करती हुई चली गई। मुझे दिली अफसोस है इस बात का, ज़किया को अपनी बेटी की शादी का बहुत अरमान था, बहुत ख्वाहिश थी कि आफरीन की जल्द शादी हो जाए। माँ, आफरीन रिलैक्स बेटा, मेरी जान, सब्र कर बेटा। मैंने अम्मा को देखना था, उन्हें तो कल ही दफना दिया बाजी। बहुत बोलती हो तुम, जाओ यहां से। आप लोगों ने अम्मा को दफना दिया? आफरीन, तुम्हें 24 घंटे बाद होश आए, इतनी देर हमें हम उनको बाहर नहीं रख सकते थे। बेटा, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि मुर्दे को इतनी देर सर्दखाने में नहीं रखना चाहिए। आंटी, मैंने उनको आखिरी दफा देखा भी नहीं, मुझे उनकी शक्ल देखनी थी। हाँ, लेकिन बेटा ये मुनासिब नहीं था। ऐसे कैसे आप लोग ने दफना दिया? मैंने अम्मा को देखना है, प्लीज मुझे उनके चेहरे को प्यार करना आखिरी दफा। प्लीज आंटी, मुझे बाहर जाने की कोशिश करो। प्लीज 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 आंटी, आप मुझे नहीं रोके, प्लीज। आप लोगों ने मुझे आफरीन, अब वो नहीं है, वो नहीं है। मुझे अम्मा को एक दफा देखने देते, मुझे एक दफा देखने दो। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। आप मेरे रूम में कैसे हैं? मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। आप मेरे रूम में क्यों आए? क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम्हारा शौहर हूँ मैं, तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, इसमें बुराई क्या है? अगर बीवी समझते हैं तो पहले बीवी वाली हैसियत दे मुझे। आपका इस तरह से कमरे में आना मेरी हैसियत को मशकूक बना सकता है। पहले तो मेरी अम्मा मेरे साथ होती थी, एक आसरा था, सहारा था, ढाल थी वो मेरी। अगर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मैं कैसे सबका सामना करूंगी? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं है आप मेरे साथ। अगर हिबा आप ही अभी आ जाए यहां पर तो क्या आप उनके सामने मेरा हाथ पकड़कर कह सकेंगे कि आफरीन मेरी दूसरी बीवी है और सौकन भी? चाय प्लीज आप यहां से। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूं, आई एम सॉरी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लें? आफरीन, तुमने एक बार तो ये बात कह दी, लेकिन इसके बाद ये बात सोचना भी मत।
अफीम बीबी आपका फोन है। मैं बाजल बात कर रहा हूँ। हेलो आफरी, आपने फोन क्यों किया? ज़किया खाला की डेथ का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हें कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाया आफरी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, ताज़ियत तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हम कजिन्स भी तो हैं, तो क्या हम एक दूसरे का दुख नहीं मान सकते? तुम सुन रही हो ना? हेलो आफरीन। हेलो आफिस। आफरीन प्लीज, आफरीन सुनो प्लीज। इसने जरा सा हाल क्या पूछ लिया, दिल तो बस बेकाबू हो गया। मेरा बाजल से कोई ताल्लुक नहीं है। आफरीन देखो, I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह रूठ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना चाहिए था मुझे। I'm sorry। हेलो आफरीन, मैं बाजल बात कर रहा हूँ। नहीं आफरीन, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। सामने बैठे शख्स तुम्हारा शौहर है, और जिसे तुम सोच रही हो वो कुछ भी नहीं। पलट आओ। तुम सुन रही हो ना? देखिए, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। मुझे अपनी पहचान चाहिए। आप प्लीज आंटी से बात करें या कुछ भी करें, मगर मैं इस गिल्ट फीलिंग के साथ नहीं रह सकती। आफरीन, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रही होगी, बहुत सफोकेट फील कर रही होगी। आई एम सॉरी। सॉरी? माजरत। हर किसी के पास मुझे देने के लिए यही दो लफ्ज हैं क्या? तुमसे किसी और ने भी बोला ये? देखिए, मुझे किसी भी सॉरी या माजरत की जरूरत नहीं है जो मेरे लिए मरहम भी साबित ना हो। यहाँ जिसका दिल चाहता है वो सॉरी के बदले में मुझे उजाड़ कर चला जाता है। मेरी अना, मेरी खुददारी सब कुछ तोड़ देता है, और बदले में क्या, सिर्फ एक लफ्ज सॉरी। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दिलाऊं? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी पहचान मिले। लेकिन पहचान तो तुम्हारे पास है ना, मेरा नाम है तुम्हारे पास। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों का इख्तियार मैं इस्तेमाल कर सकूँ। मैं पूरी दुनिया को बता सकूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, बता दो सबको, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दरवाजा खुला है। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम सबके सामने अपना अख्तियार इस्तेमाल करना चाहती हो, तो भी डर किस बात का? जो आते हैं उसे देखने दो, पता लगने दो उनको। जी साहब, बुलाया था आपने? रमजान बाबा, सबको लाउंज में इकट्ठा कीजिए। आफरीन समेत मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। जी बेहतर।
आप लोगों से मुझे कुछ कहना है। मैं और... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजिल तुमने आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सोचा कि इन्फॉर्म करूंगा लेकिन रोक गया। सरप्राइज दूंगा आप सबको मैं। मेरा बच्चा जीता रहे। क्या बात है, आप सब इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? और ये भाई गले नहीं लगेंगे। जहां तक मुझे याद है आप सब में से किसी का कोई फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट मेरा था। और हिसाब सिर्फ एक ही इंसान से निकलता है मेरा। कितने दिन के लिए आया? हमेशा के लिए मॉम। अरे तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा। और आपका? मेरा भी अच्छा। बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने चाहा था, जैसी मेरी बीवी को होना चाहिए थी। रमजान बाबा, ये औरंगजेब ने कमरा क्यों लॉक कर दिया है? जी वो शायद स्टडी में हो। नहीं, उसे खुद मैंने कमरे में जाते हुए देखा। कमरा क्यों लॉक? मुझे पता नहीं जी। आप कुछ कहने आए थे उसे? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था मैडम। हाँ आपने रूम लॉक्ड रखा है? हाँ, क्योंकि मुझे पता था वो आएगी, रात को भी वो यहीं पे थी। मगर आप तो तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आई डोंट रियली केयर अबाउट हर एनीमोर। हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें अब कुछ नहीं लगती? चलो गुड। बीबी जी साहब जी आ गए हैं। आप ही बुलाया? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलवाया। मैंने तो सिर्फ उससे बाजिल और आफरीन की शादी की बात शेयर की थी। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। चलो अच्छा है ना आ गया। मैंने उसके लिए खुद स्पेशल खाना बनाया था, सोच रही थी भिजवा दूंगी। अब आ गया तो लगा तू। बीबी जी, बरसों नमक खाया आपका और साहब जी का। मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है। कहो क्या बात? वो जी, अरे कुछ कहो भी, क्या बात है? बीबी जी, बड़े साहब जी रोज नाश्ता अपनी बीबी के कमरे में करते हैं और सोते भी उनके कमरे में ही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? नहीं बीबी जी, मैं तो सच कह रही हूँ। आप मुझसे कसम ले लें, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अपनी आवाज बंद करो और खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला था, समझी तुम? दफा हो जाए यहाँ से।
अरे अरे भाई, लगता है आपको खाने की खुशबू आ चुकी है। एक्चुअली हिबा अपी ने आपके लिए सरप्राइज लंच तैयार किया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा था कि आपको ना इन्फॉर्म करूं, लेकिन आप देखिए ना, खुद ही कॉल कर लिया आपको। तुम आफीन से शादी की इज्जत कर रहे थे पप्पू से? जी, मैंने उनसे बात की थी। और भाई, मैं यहाँ सिर्फ आफरीन के लिए आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो हिमाकतें हुई हैं, मुझे उन सब का बहुत अफसोस है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं। उस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन अब और नहीं। मैंने उसके लिए मामा से बात की, बहुत बात की, और बहुत कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन मामा मान नहीं रही। अरे भाई, आप प्लीज़ बात करें ना, आपकी बात कभी नहीं डालेंगी मामा। किसने कहा है कि वो अब तक सिंगल है? What? What do you mean, औरी भाई? क्या मतलब है आपका औरी भाई? मैं जानता हूं वो एंगेज नहीं है। हाँ, एंगेज नहीं है, ये मैरिड है। What? अभी मेरे साथ। क्या कहा तुमने? क्या बोला है तुमने? सही कह रहा हूं मैं, ये मेरी बीवी है, और तुम इसके बारे में बात करना तो दूर, अब सोचना भी बात इसके बारे में। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि इस लड़की से तुम मेरे पूछे बगैर शादी करो? जिस तरह तुम वारिस दुल्ताना के लिए मुझे छोड़ सकती हो, उस तरह मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और जहां तक इजाजत लेने की बात है, तुम्हारा तलाक नामा अभी तक मेरे पास मौजूद है। जाओ तो अभी तुम्हें साइन करके दे सकता हूं। तुम्हें क्या समझा था हम लोगों ने, और तुम क्या निकली? मेरे ही घर पे, मेरे ही घर में रहके कब्जा। बस, इसके बारे में एक लफ्ज मत बोलना तुम। ये तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं है, अब ये मेरी बीवी है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है मैंने। तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। ना मेरा और ना इसका कसूर है, इस सब की कसूर बात तुम हो। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? ये लड़की हमारे घर में इतना बड़ा खेल खेल गई, और आप इसे मासूम समझ रहे हैं? फाजिल, खेल इसने नहीं, खेल तुमने हम सब के साथ खेला है। यहां तक कि किस्मत ने तुम्हारे साथ ही गेम कर दी, और तुम इसकी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आया हो। तुम वापस सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ छोड़ने को बचा ही नहीं था, इसलिए इसका सहारा लेने के लिए तुम आया हो। अपनी सो कॉल्ड बीवी को लो और दफा हो यहां से। हमारे ही घर में रहने वाले, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले आज हमें ही धोखा देंगे। चलो निकलो, निकलो यहां से। शोर मत मचाओ तुम, मुझे भी तुम्हारे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। चलो फ्री, दिल के पीछे अगर दिल गया। उरी, कितनी गंदी स्मेल है, कौन सा परफ्यूम है ये? ये ब्रांडेड है। कौन सा ब्रांड है ये? नेक्स्ट टाइम जब ट्रेवल करूंगी ना, तो तुम्हारे लिए खुद से परफ्यूम्स लूंगी। तुम प्लीज मुझे याद करवा देना, और ये मत लगाओ। Thank you.
सोच रहे हो? कुछ नहीं है। माजी की। तो इसका मतलब आपका माजी इतना अच्छा था। ठोकर लगी जख्म जैसे कोई छिल गया। खोल जाना प्लीज। घड़ी दो घड़ी बहुत सारी गैदरिंग के इनविटेशंस आते हैं। मैं चाहता हूं कि हर जगह तुम मेरे साथ जाओ, इसलिए इस तरह के खानों की ना आदत डाल दूं। मगर कोई देख लेगा तो अजीब लग रहा है। हमारे आसपास तुम यहां कोई नहीं बैठा हो, तुम बेफिक्र होकर खाना। मैं कोशिश करती। हाय मिसेस औरंगजेब, वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उस वक्त आइए। ओह मिसेस औरंगजेब, अब आई समझ मुझे कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, क्योंकि और ही भाई तुम्हें ऑलरेडी इंप्रेस कर चुके थे। उनकी इज्जत करती थी मैं, और अब मैंने उनके बारे में जाना कि वो अपनी इज्जत करवाने के साथ साथ दूसरों की भी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हें पैसा बहुत देंगे और तुम्हें खुश रखेंगे,
क्योंकि चलते फिरते क्रेडिट कार्ड है वो। तुम शायद भूल रहे हो बाजी कि तुमसे भी मैं वो गिफ्ट्स नहीं लिया करती जो तुम अपने उन गर्लफ्रेंड्स को देने के आदी। मैं बहुत लूज कैरेक्टर था ना तुम्हारी नजर में, है ना? तुम खुद क्या हो, देखो अपने आप को आईने में, तुम्हें समझ आएगी। एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाकर तुम्हें शर्म नहीं आई? बस, अब मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगे। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था उनसे, बल्कि तुम्हारी बहन वो शादी करना चाहती थी अपने उस पुराने आशिक से। तुम्हारा ही बहन हुई आया था मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर, और तुम्हारी बहन के करतूत की वजह से उनकी शर्म और लिहाज सब खत्म हो चुका था। बस स्टॉप इट, अपनी झूठी कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। झूठी कहानियां? ठीक है फिर सुनो आज हकीकत। फाजिल, तुम थे वो पहले मर्द जिसने मेरे दिल की सरजमीन पर अपने नाम का झंडा गाड़ा था। मैं तुमसे नफरत क्या करती, इतना अरसा तुम्हें भुला ही ना सकी। निकाहनामे पे साइन करते वक्त मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। औरंगजेब का नहीं, तुम मुझे क्या देते? तुमने तो मेरे सर से आसमान और पैरों तले जमीन भी छीन ली। तुम अपने बीवी को कुछ नहीं दे सके तो मुझे ही क्या देते? तुम्हारा अपना कशकोल खाली है तो मेरी झोली क्या भरते? तुम किसी को कुछ भी देने के लायक नहीं हो बाजी। देखो आफरीन, मैं वापस आ चुका हूं तुम्हारे पास, तुम भी आ जाओ। भूल जाएंगे हम ये सब। बस करो अपनी बकवास बाजी, प्लीज दफा हो जाओ यहां से। ये आखिरी बार सुन रही हूं, आज के बाद ये वर्ड्स तुमने कभी नहीं दोहराने। मत भूलो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। हर औरत तुम्हारी बहन की तरह नहीं कि जिससे ना घर संभालता और ना ही घर वाला। जस्ट शट अप बाजिल। मासूम तो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर यहां पे आना नहीं चाहिए था। अगर आ भी गए हो तो मेरी बीवी से इस तरह तुम्हें बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी दी तो आप माफी मांगो इससे। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि चलान चलान। साहब को चाय पानी पूछो और उसके बाद इन्हें बाइज्जत घर से रुखसत कर देना। चलो आफरीन। जी बस, थैंक यू सो मच। जी बस, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल आइए, हम मुलाकात रखते हैं। घर आइए, बिल्कुल आपसे बात कर लो। तुम? तुम्हारा मुलाजिम नहीं ऊपर आने दे रहा था मुझे, लगता है मुझे पहचानता नहीं है। पूछ रहा था कौन, उसको बताया मैंने कि मैं तुम्हारी कजिन, क्योंकि अगर उसे ये बोलती कि तुम्हारी पहली बीवी हूं तो शायद उसे यकीन नहीं आता। काफी ग्रूम कर दिया है तुमने इसको। ऑफ कोर्स, दोनों बीवियों के बीच में बराबरी भी रखनी थी मुझे। रियली? तुम्हें लगता है इसका और मेरा कोई मुकाबला है?
बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता था। Excuse me? क्या मतलब है इस बात का? तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है बा। तुम्हें क्या लगता है इसके साथ जिंदगी गुजार के तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगे? इस लड़की का खुद का क्या स्टेटस है जो तुम्हारी कोई पहचान बनाएगी? इसके स्टेटस, इसके नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बीवी को शौहर के नाम से पहचाने जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो अभी भी लोग मेरे नाम से पहचानते हैं ना। We are ideal couple. We were. No, हम अभी भी कपल हैं। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए हो क्या? लोग हमारी मिसालें देते थे, रश करते हैं हम पे। हम अभी भी एक कपल हैं, ठीक है? तुमने इससे गुस्से में शादी कर ली, मानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज इसे अब तो छोड़ दो। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ। और ये तुम्हें लगता है तुम्हें वो इज्जत, वो प्रोटोकॉल मिलेगा जो मेरे साथ मिलता था? नहीं ना, तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है? नहीं बा, मुझे अपने फैसले पे कोई रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं अपने फैसले से। और जहां तक छोड़ने की बात है, मैं ये बात बार बार दोहरा चुका हूं, बार बार दोहराना नहीं चाहता। ये बात मत भूलो कि डिवोर्स पेपर्स मैंने इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए तैयार किए थे। Listen, Ovi, I understand. हम लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, पर वो सब इस लड़की की वजह से है। तुम इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हिबा, वजह ये नहीं है, वजह तुम हो। तुम ही क्यों नहीं चली जाती? नहीं हिबा, मैं नहीं चाहता कि सब पहले जैसा हो जाए, क्योंकि पहले मैं बहुत अपसेट था और अब मैं बहुत खुश हूं। मोरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, अभी तुम घर जाओ, बल्कि मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देता है, हम घर में बैठ के आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम ये सब कुछ इसकी वजह से कर रहे हो ना? ऐसी क्या चीज है इसमें जो मेरे पास नहीं है? क्या ऐसा वो करती है जो मैं नहीं कर सकती? तुम्हें एक ऐसी बीवी चाहिए ना जो तुम्हारा घर संभाले, तुम्हें देखे, घर के काम करे। मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम प्लीज इसे छोड़ दो। औरी ये बात, ये बात मैंने कहा ना, तुम प्लीज घर जाओ, हम घर में बैठ के आराम से बात करेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? तुम चलो, मैं आता हूँ, जाओ। अरे भाई, आपने ही बापी की हालत खुद देखी है, उन्हें आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो सिर्फ लोगों से है, क्योंकि वो आपके बारे में उनसे बातें करते हैं और वो बहुत परेशान है। उसकी प्रॉब्लम उसकी साथ ही हो सकती है। नहीं औरी, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट वो आपको बहुत मिस करती है और वो बहुत बदल चुकी है। क्या बात करने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? आपका प्रॉब्लम क्या है मामा? हर बार आप उसी की साइड लेती हैं, उसी की हिमायत करती हैं। अब आप क्या ये चाहती हैं कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जो उसके साथ हुआ है? बाज़ल, हर कोई मेरी बेइज्जती पे उतर आया है, और तो और ये बात मीडिया तक में चली गई है। लोग मेरे मुंह पे आके बोलना शुरू हो गए कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। क्या ये डिजर्व करती हूँ मैं? और हमसे, मैंने तुम्हें अपने भाई साहब से मांगा ही हिबा के लिए था। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो, और हिबा को तुम्हें सौंप कर मैं मुतमईन हो गई थी। हालांकि मुझे बेहद अफसोस था,
तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी फरमाबरदारी देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और इस वक्त ये बात करते हुए भी बहुत शर्मिंदा हो रही हूं बेटा। मैंने बहुत चाहा कि हिबा अब इस सबको कबूल करके तुम्हें भूल जाए, तुम्हें भी पूरा हक है अपनी खुशियों का, लेकिन बेटा मैं माँ हूं, मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। वो पहले से बहुत बदल चुकी है और तड़प रही है तुम्हारे लिए औरंगजेब। पप्पू आपने जो भी कहा वो मैंने किया, वो अभी मेरी बीवी है, जब तक आप चाहती हैं, जब तक वो चाहती है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तुम आफरीन को तलाक दे। कहाँ रह गए? कहीं सच में तो इन्हें आंटी ने नहीं रोक लिया? तो मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून की बयान बस इतनी ही थी। तुम आप से इनको तलाक, आपके बगैर नहीं रह सकते, आती हो गई हूँ आपके बाहर, और अगर आंटी जी ही बाप ही कुछ कहते हैं तो आफरीन चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम दो कश्तियों की सवार हो चुकी औरंगजेब, साहिल तक जाना है तो एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक को तो हारना ही पड़ेगा। तो मेरी खुशी और सुकून की मियाद बस इतनी थी। तुम आफरीन को तलाक, आपके बगैर नहीं रह सकती, आदत हो गई है आपकी। नहीं पप्पू, आप नहीं जानती मेरी तकलीफ, मेरा दर्द। और अगर आंटी या हिबा आपकी कुछ कहती हैं तो क्या करने आए? मुझे औरंगजेब से मिलना, वो कल शाम यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर घर पे भी नहीं है। कौन सा घर? उसका घर यही है, और कोई घर नहीं है उसका। देखें मुझे सिर्फ औरंगजेब से मिलना। वो अब तुमसे नहीं मिलेगा, ये मेरी शर्त है। तुम्हें वो छोड़ चुका है, अब मिलना ही है तो उससे कोर्ट में मिलना। क्या ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है उनका, वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनो ये मेरा घर है, मुझे यहां पे ये सब नहीं चाहिए, निकलो यहां से। लेकिन मुझे और शट अप, हाउ डेयर यू, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे मेरे सामने खड़े होके इस तरह से पुकारने का, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कल ही मैं तुम्हारे पेपर्स तैयार करवाती हूँ, छोड़ो अब उसकी जान, जाओ यहां से। देखिए प्लीज मुझे एक दफा मिलो, वो यहां होगा तो मिलोगी ना उसे। कल रात वो यहां से फ्लाई करके जा चुका है, नहीं मिलना चाहता वो तुमसे। क्या? मेरी बात का यकीन करो, वो कल यहां से बाहर मुल्क चला गया, तुमसे वो नहीं मिलना चाहता था। कल रात को यहाँ से चला गया, इनफैक्ट दो तीन दिन में अब मैं भी उसके पास जाने वाली हूँ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अब उसे एक दफा औरंगजेब से मिलने दे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही?
जब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो इट मींस वो तुमसे नहीं मिलना चाहता. He doesn't want to talk to you. लेकिन औरंगजेब, have some self respect. मेरा दिमाग खाना बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुनो. मर चाहे बाजिल हो चाहे औरंगजेब, एक से ही होती. फर्क सिर्फ औरतों का होता है. कोई औरत होती है जो हिबा शिराजी होती है और कोई आफरीन. घबराओ मत, नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें खाली हाथ. मैं भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम भूखी ना मरो. जमान जमान, इनको बाहर भेजो. और आज के बाद ये औरत मुझे अपने घर के दरवाजे पे नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है. जाओ यहां से. समान एक मिनट प्लीज, बड़े साहब को एक दफा बुला लो. दीदी वो तो अंदर नहीं है, वो तो कल रात को चले. क्या वो वाकई पाकिस्तान से बाहर चले गए? ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं. आफरीन बिटिया, आप यहाँ? जरूर, आपके बड़े साहब ने कोई पैगाम भिजवाया. कौन से कागजात भिजवाए? जायदाद में हिस्से के या फिर अलहदगी के? आफरीन बिटिया, आपसे गलत बयानी की गई है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? वो पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी. आफरीन बिटिया, बहुत अरसे बड़े साहब का नमक खाया है, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा. तो फिर वो इधर ही है तो कहाँ है? साहब का उस रात एक्सीडेंट हो गया था, बड़े साहब अस्पताल में हैं. आप प्लीज मुझे लेके चले हॉस्पिटल. माफ करना बिटिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता. अगर हिबा मैडम को पता लग गया तो? मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूं. शर्मिंदा ना करें बिटिया, काश हमें पता होता, हम तो आपसे बेखबर ही हो गए थे. और सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद यकीनन बेहतरी क्या था. सुनो, मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें देना थी. मगर इसकी क्या जरूरत है? आप मुझे सब कुछ ला तो देखें. लेकिन पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना, कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज लेनी हो और अगर मैं ना होगा तो काम आ सकता है. मतलब कि अगर आप नहीं हुए तो ये पैसे आपकी कमी पूरी कर सके. सब तो नहीं काम आने. मैंने आपसे सवाल पूछा. देखो, पैसों की जरूरत पड़ तो जाती है ना, कि पैसे आपकी कमी पूरी कर देंगे.
सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद देना चाहिए। तुम बताओ क्या ये पैसे मेरी कमी पूरी कर सकते हैं? तुम्हें शादी से खुश नहीं थी? नहीं। शायद जब जवाब मिले तो मुझे सोच के रखो। नर्स मैं अंदर जा सकती हूँ? आप पेशेंट की क्या लगती है? कुछ नहीं लगती है। तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, फिर क्यों आई? तुमने हाल देखा है औरी का क्या हुआ है? तुम देख नहीं रहे? आज ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में तुम्हारी वजह से पड़ा है। क्या चाहिए तुम्हें? पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम हमारा? तुम्हें दौलत चाहिए, ये चेक पकड़ो और जितने का मर्जी चाहिए चेक भर लो उसमें, लेकिन हमारी जिंदगियों से और हमारे घर से निकल जाओ, पीछा छोड़ो हमारा। तुम आपने मुझसे झूठ बोला। अंदर मौत से लड़ता हुआ शख्स मेरा भी शौहर है। अगर मेरा नहीं तो उसका तो ख्याल कर लिया होता आपने। अगर आपको अभी भी धमकियों की पड़ी थी तो शट अप। छोड़ चुका है वो तुम्हें, तुम्हारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। यही लफ्ज अगर वो अपने मुंह से बोलेंगे तभी मुझे यकीन है। तुम लोगों की प्रॉब्लम है क्या? जब से हमारी जिंदगियों में आए हो मसले ही मसले हैं। चली क्यों नहीं जाती हमारी लाइफ से तुम? रुदापी प्लीज, इस लड़की को बोलो जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है बाजिल। ये आपका घर नहीं है, हॉस्पिटल है, और मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी जायदाद नहीं हूँ। अब चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों ना बुलाए। आप ही चले मेरे साथ। आप ये ले आपकी चेक बुक। छोड़ो मुझे। जो जिंदगी जाने वक्त ने क्यों छीन ली, सीधी सादी थी जो जिंदगी जाने वक्त ने क्यों छीन ली। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। इनकी एक टांग में माइनर सा फ्रैक्चर आया है, तो कुछ टाइम लगेगा अभी इनको नॉर्मल होने में, और यूं समझें कि कुछ अरसे के लिए अभी ये बेड पे ही रहेंगे। अच्छा औरी भाई, चलता हूँ मैं, मम्मा को साथ लेके जा रहा हूँ, आप यही हैं आपके पास। ले जाओ पापा को, उनको आराम की जरूरत है। बल्कि यहाँ पे किसी और को रुकने की जरूरत नहीं है, आफरीन मेरे साथ है। ओके, ख्याल रखिएगा। आफरीन, जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजरी होगी, किस अजाब से गुजरी होगी। तुम्हें यहां ना देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ क्या ही होगा, लेकिन क्या करता, सामने मेरे घर वाले थे, उनसे जवाब तलबी भी नहीं कर सकता था। सॉरी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप सबके प्रेशर में आ गए और आंटी को ना नहीं कहा कि और रिश्ता तोड़ देंगे। बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं?
बदगुमान हो गई थी मुझसे। आपसे तो हो गई थी बहुत ज्यादा। क्यों यकीन नहीं रहा मुझ पर? मुझे डर था कि कहीं आप रिश्तों की डोरी में उलझ ना जाए। रिश्ते की एक डोर तो तुमसे भी बंधी है, इतनी कमजोर तो नहीं है वो। मगर मैं दूसरी बीवी हूं इसलिए मुझे फेल हो रहा था। और हम तुमने वो मुहावरा तो सुना है ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। प्यार करती हो रही से? शौहर है वो मेरे, प्यार तो हो ही जाता है। यानी तुम्हें यकीन नहीं है? है तो फिर अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाओ, मैं इस मोहब्बत की गहराई देखना चाहती हूँ। मैंने मोहब्बत की है, मोहब्बत मुझसे रूठ के गई, मैं भी टूट गई। मोहब्बत जैसी अय्याशी बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन ये नहीं पता वो ग्लू, वो सोल्यूशन मुझे कहां से मिलेगा जो मेरी जिंदगी जोड़ सके। और ये मेरी चॉइस कभी भी नहीं था, अब भी नहीं है। वो पहले भी मेरी मजबूरी था और अब भी। पहले मामा का प्रेशर था मगर अब दिल करने लगा। पहले कभी ये नहीं कहा लेकिन अब कहूंगी कि औरंगजेब को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो? मुझे उससे मोहब्बत नहीं है लेकिन उसकी जरूरत है। कर सकती हो मेरी जरूरत पूरी? वो मेरी भी जरूरत है, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने अम्मा को बहुत मना किया, बल्कि उन्हें भी मना किया, पर किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। बाजन से अब भी मोहब्बत करती हो? घबराओ मत, शादी करने का नहीं कहूंगी। वो मेरा माजी है। तुम्हारे हाल से तो नहीं लग रहा। देखो मेरी सारी शोहरत दांव पर लगी हुई है, मैं लोगों की बातों की हेडलाइन नहीं बनना चाहती। अगर तुम अलग होगी तो तुम्हें सिर्फ खुद को संभालना होगा, लेकिन मेरे पीछे पूरी दुनिया है। तुमने कहा था अगर बहुत कीमती चीज चाहिए हो जिंदगी में तो हदिया देना पड़ता है। मेरे पास मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज मैं खुद हूं। समझो मेरा यही हदिया है। मुझे प्लीज औरंगजेब दे दो प्लीज। दिल के पीछे अगर दिल गया जाने क्यों खाक में मिल।
जख्म जैसे कोई छिल गया। आफरीन, लेकिन ये फैसला तुम खुद कैसे कर सकती हो? तुम लोगों ने मुझे कोई चीज समझा हुआ है जो मिल बात के बंटवारा कर लो? समझौता किससे पूछ के किया तुमने? समझौता क्यों किया तुमने? कॉम्प्रोमाइज मुझे असर होता है आफरीन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आफरीन तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहां पे आ रही हो वरना मैं वहां पे आ रहा हूं। तुम शायद एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी दो दो बीवी हैं और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम दोनों का ख्याल रखो। तो इसका मतलब है तुमने आफरीन को फोर्स किया है? मैंने फोर्स तो नहीं किया, मैंने तो बस अपने घर का तहफ्फुज़ मांगा है। किस घर की बात करी तुम्हें वहां, जिसे तुमने कभी बसने ही नहीं दिया? अब तो कोशिश कर रही हो ना। प्लीज हेबा, आफरीन तुम अभी आ रही हो वरना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। आफरीन, हेलो हेलो, अब ये क्या ड्रामा है? मां तुम कौन सा खेल खेल रही हो? और ये तुम इतने रूट कैसे हो सकते हो? हिबा बस, रिश्ते खेल नहीं होते, समझने की कोशिश करो। तुम अपना ग्राउंड लूज कर चुकी हो और एक मलबे पर एक नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। सुनो, बाजिल आफरीन को क्यों लेने गया है? तुमने कहा है उससे क्या? मैं अपने मामले खुद तय करने का आदी हूं। अच्छा, तो फिर वो उसे लाने क्यों गया है? क्यों मरे जा रहा है उससे मिलने के लिए? आई थिंक वो अभी भी उसके कॉन्टेक्ट में है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाह रहा है या फिर से उसका कोई मकसद है। खैर ध्यान रखना, आजकल के जमाने में रिश्ते बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। आफरीन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। औरी भाई को बहुत तेज बुखार है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगा इस टाइम तुम्हें उनके पास होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लेने आया? आपने पहले अपनी बहन से पूछा? वो तो उन्हें छोड़ के जा चुकी है अपने किसी फैशन शो के लिए। क्या वो अपने फैशन शो के लिए चली गई? लेकिन उन्होंने तो कुछ और कहा था मुझे। पता, ये शाम का पहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कब सुकून से इसे एंजॉय कर पाऊंगा। चले आए, मैं आपको शाम एंजॉय करवा दूं। लेकिन 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 छोड़े, चले। अच्छा अच्छा, मेरी स्टिक ला दो ना। स्टिक की क्या जरूरत है जब मैं साथ हूं? तो चल आराम से।
चले आए लॉन में, चले आए, हाथ रखे आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा वक्त है काम करने का? बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। सुबह देख लीजिएगा। और याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। याद है। तुम कहाँ थी? आंटी के पास। वो मुझसे बहुत नाराज थी और मेरे दिल पे एक बोझ सा था। पता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया। सच? जी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आप आंटी से खुद पूछ लें। आप बाजल से भी पूछ सकते हैं, वो भी उधर ही था। भाई कैसे हैं आप? ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपकी साइन चाहिए। ये रहा पेन। ये साथ ही दिखा। वाह रे भाई, काफी लकी हैं आप। कितनी खिदमतें हो रही हैं आपकी। लक तो तुम्हारी भी चमक सकती है, तुम्हारी खिदमतें भी हो सकती हैं। अगर तुम अपनी बीवी घर ले आओ, आखिर मसला क्या है? पाकिस्तान आए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए और तुमने पलट कर उसकी तरफ देखा था? क्या बात है? क्या चाहते हो तुम? किस बात का इंतजार है? चलता हूं मैं और फिर मिलते हैं। अंदर तो आप आ ही गए ना पास। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे यहाँ तक ले ही आए। कह रहे थे कि अब तो आप डिपेंड करता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ या ना जाओ। और आप क्या मेरे बगैर चले जाएंगे? शायद
सच? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर हम सब साथ साथ रहेंगे। चलो जाओ और अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं ही सोचा था कि बचपन में तुम भी शरारती नहीं थी और मैं भी नहीं, तो हमारा बेबी तो बहुत शरीफ नहीं होगा। मुझे आपका तो नहीं पता, मगर हाँ मैं बहुत शरीफ थी बचपन में। मेरा कैसे नहीं पता तुम्हें? इसका मतलब तुम्हें मुझ पर डाउट है। डाउट की बात नहीं है, पर मैंने आपको बचपन में देखा नहीं था ना, इसलिए। देखा तो मैंने भी तुम्हें नहीं था, लेकिन मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है। अब देखें, ये तो आपकी मर्जी है ना। चलो ऐसा करते हैं कि अभी पुप्पो के पास चलते हैं और तुम पुप्पो से खुद पूछ लेना कि बचपन में मैं कैसा था। औरंगजेब, आपको नहीं लगता कि इन सारी बातों से उनको बहुत अजियत होती है? कितनी बड़ी बात है ना कि उन्होंने ये खुशखबरी सुनी और आपको मुबारकबाद भी दी, वरना किस माँ का दिल इतना बड़ा हो सकता? मुझे लगता है कि हम लोगों को उनके सब्र को मजीद आजमाना नहीं चाहिए। वापस अपने घर चलते हैं। मामा आ जाएं, नाश्ता लग चुका बाहर। मामा, 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 और बाहर रमजान बाबा एम्बुलेंस बुलाए जल्दी। बैठो। अच्छा लगा तुम्हें वॉक करते हुए देख के, काफी तेजी से रिकवर कर। हाँ बस सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, आफरीन को। एक वक्त हमें बहुत उपदास आ गया था, तंग सा आ गया था कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, कब ठीक होऊंगा। लेकिन आफरीन ने, और ये तुम घर से चले गए और इन्फॉर्म तक नहीं करना जरूरी समझा? हिबा, मैं उस घर में पप्पो के लिए रहता था। जब पप्पो ही नहीं रही तो मेरा वहां क्या काम? बता तो सकते थे ना। और ही, मैं इतने दिनों से आई हूं, तुमने एक कॉल नहीं की। और तो और, तुमने तो मामा की ताजियत तक नहीं की। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगता था।
ताजिद, ताजिद तुमसे कैसे करता मैं? तुमने तो 10% भी उनके साथ वक्त नहीं गुजारा जितना मैंने उनके साथ गुजारा है। ताजिद तो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे फिर से मेरी मां चली गई। और ये मैं बहुत अकेली हो गई हूं, तुम प्लीज वापस चलो। मैं क्या क्या करूंगा वहां जाके? मां मेरा सब कुछ यहां पे है, मेरा घर है, मेरी बीवी है मेरे साथ, मैं बहुत मुतमईन हूं यहां पे। और मैं भी तुम्हारी बीवी हूं। हिबा मैं यहां बहुत खुश हूं, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं बहुत मुतमईन हूं और तुम आजाद हो। तुम अगर चाहो तो मैं साइन करके तुम्हें भिजवा सकता हूं तुम्हारा लेटर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मुझे कोई पेपर्स वेपर्स नहीं चाहिए। तुम बस प्लीज मेरे साथ वापस चलो, प्लीज। हिबा मैं बार बार यू टर्न्स नहीं ले सकता अपनी लाइफ में। और ये प्लीज हिबा, तुम यही तो चाहती थी कि तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई तंग करने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। तुम्हारी अपनी एक सेटल लाइफ है, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा करियर, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। देखो तुम जैसा चाहोगे ना मैं वैसे ही बन जाऊंगी। तुम वैसा क्यों बनोगी हिबा? जो तुमने जिंदगी में चाहा है वो इतनी मुश्किल से तुमने अचीव किया है, यहां तक पहुंची हो तुम। अपने रिश्ते सब कुछ अपना दांव पे लगाकर तुम यहां तक पहुंची हो और एकदम तुम वापस जाना चाहती हो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता हिबा। जब तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा घर तुम्हें मांगता था, तब तुम सब कुछ छोड़ के चली गई। ये जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिश थी और जो अब तुम चाहती हो वो उस वक्त तुम नहीं चाहती थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं, ना तुम हो ना बाजल और ना ही मामा। उस घर में कोई भी मुझे टोकने वाला नहीं है, कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। मैंने तुमसे कहा है ना, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। हे बाप, अपनी हसरतों और ख्वाहिशों को लगाम डालो। जिंदगी अपनी मर्जी से चलती है, हर दफा हमारी मर्जी से वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास इस वक्त है उसे मजबूती से थामे रखो। इसको पाने के लिए जो तुमने खोया है उसके गम में ये सब जाया मत करो, वरना बीच में रह जाओगी। घड़ी दो घड़ी की जिंदगी में हर इंसान दोबारा लौट के नहीं आता। हिबा मेरी एक ख्वाहिश है कि जिंदगी का सफर तुम्हें अकेला ना गुजारना पड़े ज्यादा दिन। तुम्हें कोई भी पसंद आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे पेपर साइन करके तुम्हें भिजवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। Apple!
आप सबको कल जो पोएम याद करने के लिए बोला था वो याद किए? जिसने याद की है उसको कल की तरह आज भी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, थोड़ी देर में तुमसे सुनती हूँ। बाकी किसी को याद नहीं, तुम्हें है? अभी हम पहले जरा ABCD कर लेते हैं, ठीक है? A for apple, B for ball, C for cat, and D for cat, D for dog, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. आप सब लोगों ने अपना होमवर्क याद कर लिया ना? आपने नहीं किया? उठो माज, कितनी दफा मना किया मैंने आपको, आपके हाथ खराब हो जाते हैं ना, सुनते नहीं हो आप। अरे मत डांटो इससे, बच्चा है, बच्चे तो करते हैं शरारती। कैसी हो? तुमसे मिले काफी दिन हो गए थे, सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, आते रहा करो मिलने। मेरे पास सिवाय तुम्हारे इन बच्चों के और इस घर के अब है ही क्या? अच्छा लगता जब तुम लोग आ जाते हो तो। हम चले? चले। अल्लाह हाफिज। के लिए वक्त निकालो, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास वक्त हो लेकिन तुम्हारे अपने ना हो।